Good morning, everyone. लास्ट मैंने आपको संवैधानिक शासन बताया था. ब्लॉक में अंतिम लाइन आपने क्या लिखी थी? सीमित संवैधानिक शासन का निर्माण. और एक बात याद रखिए, विचारक में बहुत लॉजिकल रिलेशन होते हैं और विचारक के संबंध अपने आप में तार्किक कैसे होते हैं. हॉब्स ने कहा कि मानव का स्वभाव सेल्फिश है, ईगोइस्ट है, लड़ने वाला है, इसलिए उसने राज्य को शक्तिशाली बना दिया. देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द ह्यूमन नेचर एंड द नेचर ऑफ ए स्टेट. याद रखिए, अगर मानव का स्वभाव खराब होगा तो राज्य शक्तिशाली होगा. तो लॉक ने ह्यूमन नेचर चेंज कर दिया. अब देखिए, बनाना तो उसी को था, इसलिए हर विचारक का पहले एक पर्पज होता है. जब फिल्में बनती हैं तो डायरेक्टर के मन में पहले से होता है कहां इसको हम अंत कराना है, कहां शुरू होगी, कहां अंत होगा. उसके बाद बीच में सॉन्ग वगैरह खोज दिए जाते हैं कि यहां सॉन्ग हो जाएगा, वहां वैसे दुर्घटना बीच में होती है. ऐसे फिलोसफर होते हैं. तो लॉक को पता था कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आगे ले जाना है. ही वॉन्ट टू सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो संवैधानिक शासन को बेहतर करना है, इसलिए उसने पहले से तय कर लिया मानव स्वभाव अच्छा है. तो और लॉक ने संवैधानिक शासन की बात नहीं की. इसलिए देखो, कुछ थिंकर्स में आपको बहुत ही रेडिकल चेंज मिलेगा. जैसे मैकियावेली को माना जाता है पूरी परंपरा से उसने ब्रेक किया. ब्रेकिंग पॉइंट है मैकियावेली. मैकियावेली ने ऐसी बातें कही जो उसके पहले कभी नहीं की गई थी. हॉब्स ने परंपरा चेंज नहीं की, कहने का तरीका उसका ज्यादा इनोवेटिव था. ऐसा नहीं देखो, हॉब्स ने कोई ऐसी बात कह दी जो शायद मैकियावेली, मतलब थोड़ी बहुत बातें चेंज तो की उसने, लेकिन लॉक ने एक नई परंपरा ही बना दी. लॉक ने एक नई परंपरा बना दी. और अब इफ यू लुक द वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास में आप देखें, ऐसे ही इतिहास घूमता है. राजा का शासन, लोकतंत्र में भी पहले मतदान नहीं मिला, संपत्तिशाही लोगों को मतदान मिला, फिर जाके 1% 1 vote का विचार आया. तो डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप्स ग्रेजुअली. और ये सब विचारकों की बात है. इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो गौरवमयी क्रांति पढ़ते हैं कि नहीं? हिस्ट्री ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन. गौरवमयी क्रांति क्या बिना लॉक के विचारों के समझा जा सकता है? अगर इसलिए एक कहावत है कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिक्स इज अ लिटरेचर. अगर आपको राजनीतिक घटनाक्रम नहीं पता है और आप इतिहास देखना चाहते हैं, वो केवल घटनाओं का सिलसिला होगा आपके लिए. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. लॉक वॉज अ फिलोसफर ऑफ रेवोल्यूशन. उसने क्रांतियां कर दी, उसकी सारी बातें नहीं है. और अगला नया कैसा विचार है, अगला हेडिंग है प्राकृतिक अधिकार, द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स. प्राकृतिक अधिकारों का विचार. थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स. अब आप देखेंगे कि यही अधिकार थियरी के चैप्टर में लिखे गए हैं, यही अधिकार यहां भी लिखे गए हैं. तो चीजें बहुत ओवरलैप करती हैं. देखेंगे कि लॉक ने राज्य की शक्ति का उल्लेख किया कि व्यक्ति की शक्ति का. और हमने पहले ही बात कह दी है, उसने कहा कि हमें अधिकार था. और अधिकार कैसा था? पैदाइशी. वी आर हैविंग राइट्स विच इज ए नेचुरल. तो शब्द से ही लग जाता है प्राकृतिक. इसका मतलब किसी ने दिया नहीं. आवर बॉडी इज नेचुरल, पार्ट ऑफ बॉडी अ नेचुरल. इसका मतलब है कि नेचुरल राइट्स, जब हम नेचुरल शब्द का प्रयोग करते हैं, इट मीन्स इट वॉज नॉट रिटन एनीवेयर. कहीं लिखा नहीं था पहला, किसी ने दिया नहीं पहला. संविधान, आप याद रखिए, इसलिए लॉक ने जो नेचुरल राइट्स का अध्याय दिया
उसी का कोडिफाइड रूप क्या है, फंडामेंटलाइज। और कहा जाता है कि लॉक ने जो भी विचार दिया, अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन मेडिसन ने लॉक के विचारों को ही बिल्कुल सिस्टमेटिक बना दिया। उन्होंने लॉक के विचारों को सिस्टमेटिक बना दिया तो वो क्या हो गया फिर, फंडामेंटल राइट। इसी जिसे हम आज फंडामेंटल राइट कहते हैं उसका जन्मदाता लॉक। जैसे आज हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं उसका विचार किसने दिया, लॉक ने। इस वजह से फंडामेंटल राइट्स प्रोपाउंडेड लॉक, ह्यूमन राइट्स लॉक। तो उसी को उसने क्या कहा, नेचुरल राइट्स। तो प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या है, पहला कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स। ये नेचुरल क्यों है, इनका मतलब प्राकृतिक क्यों है, इसका मतलब पहला आप देखेंगे लॉक हमेशा एक व्यक्ति ऐसा बोलता है जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति बोल रहा है। लॉक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, लॉक ने कहा सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है, दिस एंटायर यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। ऐसा ही एक ईसाई व्यक्ति बोलता है, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा तो धार्मिक व्यक्ति की बातें बिल्कुल एक ही तरह होती हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई, सभी समान है और सभी को पैदाइशी ईश्वर ने अधिकार दे दिया। तो हमेशा वो गॉड की बात करता है, दैट वॉज नेबर सेड बाई हॉब्स। हॉब्स ने कभी ईश्वर की बात नहीं की, आत्मा नहीं परमात्मा नहीं, लॉक ने कहा। लॉक ने कहा कि व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और जब व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं तो ये प्रकृति क्या है, ये ईश्वरीय विधि से संचालित है, एंड दैट इज ए नेचुरल लॉ। अब एक बात जो ध्यान में रखने की है, ध्यान में ये रखने की है, हॉब्स ने भी नेचुरल लॉ शब्द का प्रयोग किया था। हॉब्स ने प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया था नहीं किया था, हॉब्स ने भी प्राकृतिक विधि शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन हॉब्स का प्राकृतिक विधि क्या था, विवेक का नियम, सुविधा का नियम, लॉ प्रूडेंस। लॉ का प्राकृतिक विधि ऐसा नहीं है, लॉकियन नेचुरल लॉ इज ए डिवाइन लॉ, ईश्वरीय विधि है। बहुत बड़ा फर्क है ये। हॉब्स ने जब नेचुरल लॉ शब्द का प्रयोग किया तो उसके लिए विवेक का नियम, बुद्धि का नियम, सुविधा का नियम, दैट इज ए नेचुरल लॉ। जब लॉक ने नेचुरल लॉ शब्द का प्रयोग किया, ईश्वरी नियम है, दैट इज ए डिवाइन लॉ। आप कहेंगे ईश्वरी नियम है तो हमें कैसे पता होता है। अच्छा डिवाइन लॉ, दुनिया में डिवाइन लॉ का मतलब है लिखा नहीं गया, नेचुरल लॉ का मतलब है लिखा नहीं गया। तो आप कहेंगे ईश्वर के द्वारा निर्माण की गई विधि, हाउ वी कम टू नो दैट समथिंग इज डिवाइन, हाउ वी कैन कम टू नो दैट इवन सम लॉ इज मेड बाय द गॉड। ईश्वर ने कोई विधि बनाई है हमें कैसे ये बात पता चलेगी। तो लोग ने कहा हमारा निर्माण भी तो ईश्वर ने किया है। तो ह्यूमन बींग और द क्रिएशन ऑफ गॉड, मानव का निर्माण भी ईश्वर के द्वारा किया गया है। मानव का निर्माण ईश्वर के द्वारा है, डिवाइन लॉ ईश्वर के द्वारा है, नेचुरल लॉ ईश्वर के द्वारा है। आप कहेंगे कोई आधुनिक विचारक बोल रहा है या मध्यकालीन विचारक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इवन इट इज सरप्राइजिंग फैक्ट दैट आप कहेंगे यार ये आधुनिक विचार कैसे हो सकता है, बार बार कह रहा है डिवाइन लॉ डिवाइन लॉ, ईश्वर। ईश्वर की बात मध्यकाल में बोली जाती थी कि आधुनिक युग में, आधुनिक युग भौतिकतावाद का है या ईश्वर का है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब आप देखेंगे लॉक में इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लॉक में मध्यकाल की प्रवृत्तियां बहुत दिखती हैं। ऐसा लगता है कि मेडिवल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है, दैट वॉज नेबर इन हॉब्स। हॉब्स में ऐसा कभी रहा ही नहीं। तो हमने तो यही बताया कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है, तर्क का युग है,
विवेक का युग है और ईश्वर तर्क विज्ञान विवेक से कहां प्रमाणित होता है। लेकिन उसके बाद भी इसका मतलब है लॉक के विचार बिल्कुल एक धार्मिक व्यक्ति जैसे आगे बढ़ते हैं कि इंटायर थिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, ईश्वर ने बनाया, हमें भी ईश्वर ने बनाया। इसका मतलब है कि हमें भी ईश्वर ने बनाया और प्राकृतिक दुनिया भी ईश्वर ने बनाई और इस दुनिया को गवर्न करने का डिवाइन लॉ भी ईश्वर ने ही बनाया। तो आप कहेंगे नेचुरल लॉ है क्या? एक बात याद रखिए, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है वही तो मिस्टिसिज्म है। जब हम ईश्वर की बात करेंगे तो वी कांट डिफाइन समथिंग ऑब्जेक्टिवली। आपके मन में जैसे प्लेटो जब वो सब फिलोसफिकल बातें करते थे, आपके मन में होगा यार ये डिवाइन लॉ है क्या? तो डिवाइन लॉ क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन लॉक ने इतना कहा ये डिवाइन लॉ क्या है, ये नेचुरल लॉ क्या है, अगला पॉइंट है क्या ये। तो उसने थोड़ी सी एक लाइन में इसके लिए बात कही, क्योंकि याद रखे इफ समथिंग इज डिवाइन दैट इज नेवर कोडिफाइड, कहीं लिखा नहीं होगा, कहीं लिखा नहीं होगा। और आप कहेंगे ठीक है डिवाइन, अगर ये डिवाइन लॉ है, अगर डिवाइन लॉ है तो व्यक्तियों को पता कैसे चल गया? अगर डिवाइन लॉ है तो व्यक्तियों को पता कैसे चला? तो पता इसलिए चल गया क्योंकि व्यक्ति में भगवान ने विवेक पैदा किया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने कही, व्यक्ति को बनाया भगवान ने है, उसके बाद वो जिसमें रीजन है। मध्यकाल में देखिए, मध्यकाल में व्यक्ति को पापी माना जाता था, मध्यकाल में इंडिविजुअल इज अ फॉलन इवन ही इज डिवाइड ऑफ ऑल काइंड ऑफ रीजन। लेकिन ऐसा लोग ने नहीं माना। ये बात सुनने में मटपटी लगती है, ईश्वर ने व्यक्ति को बनाया लेकिन व्यक्ति कैसा है? रीजन वाला। जबकि आधुनिक युग में मध्यकाल में आप जाकर देखिए, इसलिए मध्यकाल को हमेशा डार्क एज कहा जाता है, डार्क एज, डार्क एज मीन्स इट वॉज द एज ऑफ फेथ। तो लॉक ने अपना पर्पज से दिखाना था, उसने बोल दिया इस बात को। तो फिर उसके लिए नेचुरल लॉ है क्या? अगला उसने कहा कि ईश्वर ने सभी सभी व्यक्तियों में विवेक दिया है। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों में विवेक दिया है इवन रीजन लाइज इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। ईश्वर ने सभी व्यक्तियों में विवेक उत्पन्न किया है और इसी विवेक के परिणाम स्वरूप न तो वह अपना जीवन न तो वह अपने जीवन की समाप्ति करेगा इसी विवेक के परिणाम स्वरूप। नो बडी कैन डिस्ट्रॉय हिज ओन लाइफ। न तो कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करेगा और न ही नहीं दूसरे के जीवन और संपत्ति पर हमला करेगा। He is not allowed to attack over the property of others. He will not allow to attack over the property of others. न तो वो अपना संपत्ति खत्म करेगा, न तो अपने जीवन खत्म करेगा, न दूसरे के जीवन और संपत्ति पर हमला करेगा। That is a natural law. यह है ईश्वरी विधि। इसका मतलब है Nobody is allowed to kill himself. और बार बार मैं ही शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि महिलाओं की बात तो पहले हुई ही नहीं, इसे तो नारीवाद एक अलग विचारधारा है। उसने ही शब्द का प्रयोग किया, सी उसमें विचार में है नहीं। वैसे उसने कहा कि सब व्यक्ति समान पैदा हुए हैं, तो आप कहेंगे सब व्यक्ति में महिलाएं नहीं थी। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट, अब सब व्यक्ति महिलाएं थी या नहीं थी।
लेकिन उन लोगों ने व्यक्ति का मतलब पुरुष ज्यादा माना, इसलिए महिलाओं ने बाद में समझ आंदोलन किया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे चलेगा, तो उसने कहा कि ये डिवाइन लॉ है। तो डिवाइन लॉ क्या है? अच्छा इतनी बात तो, नेचुरल लॉ का सीधा सा मतलब है कुल मिला के ईश्वरी लॉ है, और ईश्वर ने हमें बताया है भाई हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है, दूसरे के भी जीवन और संपत्ति उतना ही महत्वपूर्ण है, तो हम दूसरे के जीवन संपत्ति पे हमला न करें, दैट इज नेचुरल लॉ। अच्छा बात तो यही हॉब्स ने भी कही है, लेकिन हॉब्स ने ये नहीं कहा ईश्वर ने बनाया, बात तो यही कही है, यानी लॉ का भी तो लॉ उसी तरफ पहुंचता है। तो आप कहेंगे जो मध्यकाल के विचार नेचुरल लॉ डिवाइन लॉ, अब आप कहेंगे प्राकृतिक अधिकार तो आया नहीं, अभी आएगा, यहीं से तो प्राकृतिक अधिकार आएगा। लेकिन नेचुरल लॉ ईश्वर की बात जो इतना बार बार करेगा उसमें मध्यकाल का विचार है, तो आखिर में वो मध्यकाल का विचार लेता किससे है? रिचर्ड हुकर से। लॉकियन आइडिया इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रिचर्ड हुकर। तो एक स्कॉलर था रिचर्ड हुकर, देयर वॉज वन स्कॉलर रिचर्ड हुकर हु रोट अ बुक इक्लिस्टिकल पॉलिटी। दैवी राज्य व्यवस्था, रिचर्ड हुकर वॉज अ स्कॉलर हु रोट अ बुक दैट इज इक्लिस्टिकल पॉलिसी या ईश्वरी व्यवस्था, दैवी राज्य व्यवस्था या दैवी शासन, दैवी शासन, ईश्वरी शासन या दैवी राज्य व्यवस्था, और इसी रिचर्ड हुक के बुक से प्रभावित था लॉक। इसलिए कहा भी जाता है लॉक, लॉक मध्यकाल की एक महान परंपरा की अंतिम आवाज था। इस लॉक के बारे में कहा जाता है, एक स्कॉलर ने कहा कि लॉक एक महान परंपरा की अंतिम आवाज था और एक महान परंपरा की पहली आवाज था। ही वॉज द ग्रेट वॉइस, ही वॉज अ लास्ट वॉइस ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिशन एंड ही वॉज द फर्स्ट वॉइस ऑफ अ ग्रेट ट्रेडिशन। तो किस महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता था मध्यकाल? मध्यकाल की बात लॉक के अलावा उसके बाद किसी ने नहीं की, प्राकृतिक विधि ईश्वरी विधि। देयरफॉर ही वॉज अ लास्ट वॉइस ऑफ अ मेडिवल ट्रेडिशन एंड ही वॉज अ फर्स्ट वॉइस ऑफ अ न्यू ट्रेडिशन। और पहली आवाज किसका था? उदारवाद का, लिबरलिज्म का। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का पिता था। उदारवादी व्यक्ति मध्यकालीन नहीं हो सकता है, लेकिन लॉक था। तो इस वजह से रिचर्ड हुकर के विचार से वो प्रभावित है। तो बार बार वो, और पहले जमाने में लोग पढ़ाई करते थे सब ईश्वर ने बनाया, राजा ईश्वर की देन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब तो ईश्वर ने बनाया तो राजा किसने बनाया? भाई सब कुछ ईश्वर ने बनाया तो राजा किसने बनाया? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब कोई मध्यकालीन विचारक जो कहेगा ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड नेचुरली, देन किंग शुड ऑल्सो बी क्रिएटेड बाई गॉड, अपने कहा नहीं, राजा तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन राजा ईश्वर ने ही बनाया, बल्कि ईश्वर ने सारी सृष्टि बना दी, व्यक्ति को विवेकशील बना दिया, और इसी प्राकृतिक विधि से व्यक्ति को क्या मिला? इसी प्राकृतिक विधि के द्वारा व्यक्ति को क्या प्राप्त हुआ? नेचुरल राइट्स। इसी प्राकृतिक विधि से व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए। इवन इंडिविजुअल्स डिराइव द नेचुरल राइट्स फ्रॉम नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए। That is very interesting. अब प्राकृतिक विधि से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है।
तो आप कहेंगे फिर प्राकृतिक अधिकार का मतलब है, एक बात याद रखिए, प्राकृतिक शब्द का प्रयोग उन्होंने जब भी कर दिया, इट वॉज नॉट रिटन, इट वॉज नॉट कोडिफाइड। और दूसरा, ये प्राकृतिक अधिकार उस समय लोगों को मिला था या लॉ कहता था मिलना चाहिए, इट वॉज अ मॉरल राइट रादर देन अ लीगल राइट। ध्यान रखिए, ये मिला नहीं था, और जो मिला नहीं मिलना चाहिए उसे क्या कहते हैं, मॉरल राइट। तो नेचुरल राइट वॉज नॉट अ लीगल राइट, इट वॉज अ मॉरल राइट, क्योंकि राजा महाराजा के जमाने में व्यक्ति को अधिकार कहां मिलेगा, वो तो विशेषाधिकारों का जमाना था और उसी राजा खिलाफ लड़ रहा था। और यह अधिकार ये सभी को प्राप्त है, दूसरा है जन्मजात प्राप्त है, यानी अधिकार राजा ने दिया नहीं, अधिकार राजा ने नहीं दिया, अधिकार पैदाइश ही मिल गया। इसका मतलब नेचुरल राइट इज अ मॉरल राइट, पहला नैतिक अधिकार है। ये सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, इट इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। ये सभी को मिला हुआ है। और नेचुरल राइट ऐसा है, जैसे उसने कहा जस्ट लाइक द कलर ऑफ स्किन, नेचुरल राइट्स आर एज नेचुरल एज द कलर ऑफ स्किन, जैसे त्वचा का रंग है वैसे प्राकृतिक अधिकार है, जैसे हमारी त्वचा का रंग है वैसे प्राकृतिक अधिकार है। जस्ट लाइक द कलर ऑफ आवर स्किन दैट इज अ नेचुरल राइट। और दूसरी बात, जब व्यक्ति को अधिकार मिल गया, जो अधिकार पैदाइशी था, हाँ ये बात अलग है ऐसा मिलना चाहिए मिला नहीं था, और इसीलिए गौरवमयी क्रांति का मूल कारण था क्या था, नेचुरल राइट। और नेचुरल राइट का मतलब क्या था, कितने प्रकार का ये था, नेचुरल राइट के प्रकार कितने थे। तो पहला राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ लिबर्टी, एंड द स्टेट, स्टेट को लोकप्रिय भाषा में कहते हैं प्रॉपर्टी। लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसने ई स्टेट शब्द का प्रयोग किया अपनी किताब में, उसी को लोगों ने कह दिया राइट लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर अब हम देखें कि ये है नेचुरल राइट्स, ये जैसे अधिकार हैं जो हमें जन्मजात मिले, जो किसी व्यक्ति ने दिए नहीं, जो हमें जन्मजात मिले पैदाइशी मिल गए, दैट वॉज नॉट गिवन बाई एनीवन। तो सवाल यह है कि अगर हमें पैदाइशी मिल गए तो क्या राजा इन अधिकारों को छीन सकता है, नहीं। और अब देखेंगे कि राजा तो राजा का जो शासन था वो इन अधिकारों के खिलाफ जा रहा था, राजा अपने आप क्या बता रहा था कि लोग हमारे बच्चे जैसे हैं, राजा कहा करता था कि मैं तो ऐसा हूं जैसे आपके पिता हैं। लक ने कहा ना भाई ये सही बात नहीं है, और पहले लोग क्या करते, राजा ने जहां मर्जी वहां युद्ध की घोषणा कर दी, इवन किंग डिक्लेयर द वॉर विदाउट कंसल्टेशन विद द पीपल, तो जीवन का अधिकार खतरे में आया। राजा कहा करता था जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का धर्म होगा, देन राइट ऑफ लिबर्टी वॉज इन डेंजर, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी। फिर उसने कहा कि राजा जब चाहे तब टैक्स लगा देता था, लोगों की संपत्ति छीन लेता था, अधिकार था थोड़े, इस अधिकार की मांग की जा रही थी, इसलिए गौरवमयी क्रांति का कारण मूल तो यही था। तो आप देखेंगे अधिकार का विचार लेकर पश्चिमी चिंतन में कौन आया, लॉक। संविधानवाद का विचार लेकर पहली बार कौन आया, लॉक। और जब अधिकार की बात आएगी तो लॉक के चिंतन में व्यक्ति की प्राथमिकता होगी या नहीं होगी, इंडिविजुअल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर थिंकिंग ऑफ लॉक। इस वजह से प्राकृतिक अधिकार की बात तो पहली बार कर रहा है,
लेकिन अगर हम देखें लाइफ लिबर्टी और स्टेट, तो मतलब क्या है उसका? पहला अच्छा, हॉब्स ने किस ऐसे प्राकृतिक अधिकार की बात की थी? हॉब्स कई कई जगह प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन प्राकृतिक अधिकार का मतलब उसका क्या था? माइट इज राइट, जिसके पास जितने अधिकार हैं वो प्राकृतिक अधिकार हैं। इसे राज्य बनने के बाद व्यक्ति के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। लॉक बताकर फिर हम हॉब्स से कंपेयर करेंगे, लॉक एक बार खत्म हो जाएगा तो हॉब्स से फिर कंपेयर करेंगे। आखिर में दोनों का अंतर क्या है? इसे पास तक कंपेरिजन से प्रश्न ही पूछा गया है। इन कंपेरिजन के बारे में क्लियरिटी हो जाती है कि भाई इसने क्या कहा, कहां थोड़ा फर्क आ रहा है। इसे अधिकारों की बात सही मायने में हॉब्स में नहीं है, हॉब्स में तो राजा के अधिकारों की बात है, क्रांति का अधिकार उसने दिया ही नहीं। लॉक में व्यक्ति के अधिकारों की बात है। तो जब उसने प्राकृतिक अधिकार की बात कही तो लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पहला लॉक ने संपत्ति के अधिकारों को सभी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। राइट टू प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स। संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। इवन राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लाइफ एंड लिबर्टी टू। संपत्ति के अधिकार में जीवन और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपको याद दिला दें, जैसे मैं लॉक ओवर लिख रहे थे उसमें राइट टू प्रॉपर्टी वाज इन फॉर्म ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। भाई संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल रूप में जमीन के रूप में था। अच्छा, जमीन हम लेके आए या ईश्वर ने दी? यही बात लॉक ने कहा। लॉक स्पीक्स लाइक अ रिलीजियस पर्सन। रिचर्ड हुकर का प्रभाव बार बार दिखता है उस पर। तो उसने कहा संपत्ति को क्या है? अगला पॉइंट उसने कहा संपत्ति ईश्वर की देन है। इवन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। संपत्ति ईश्वर की देन है। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। इसका मतलब है संपत्ति ईश्वर ने बनाया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, ईश्वर ने बनाया तो गांव में लोग, गांव में तो पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं हमारी ये संपत्ति हमारी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगी? अगर संपत्ति ईश्वर की देन है तो पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होगी? तो लॉक ने तरीका बताया। तो पर अगला उसने कहा ईश्वर ईश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति में जो भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा, श्रम अंडरलाइन, ईश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति में जो भी व्यक्ति अपना श्रम मिला देगा वह उसकी निजी संपत्ति हो जाएगी। इंडिविजुअल मीन्स लॉक इज द फर्स्ट पर्सन।
लॉक इज द फर्स्ट स्कॉलर हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. लेबर थियरी वैल्यू का मतलब है कि वेयर एवर इंडिविजुअल मिक्सेज हिज लेबर इन नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी. लेबर थियरी वैल्यू का मतलब जो उसने बात कही, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. मूल्य का श्रम सिद्धांत और लेबर थियरी वैल्यू क्या है? प्रकृति ने सारी चीजें बना दी, प्रकृति ने जमीन बना दी, पेड़ पौधे बना दिए, नदियां बना दी, लेकिन उस जमीन को जिसने पहली बार बाउंड्री की होगी और जिसने उस जमीन पे खेती करनी शुरू की, तो उस जमीन पर खेती के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. और जरा सोच के देखिए, ऐसे ही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आविष्कार हुआ. अभी भी स्टिल यू सी इन ट्राइबल सोसाइटी लाइक नॉर्थ ईस्ट में स्टिल लैंड इज अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर विलेज. अभी जनजाति समाज में नॉर्थ ईस्ट में जाइए, यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी जो भी ट्राइबल सोसाइटी है, लैंड इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. लेकिन लॉक ने क्या कहा? क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को संपत्तियां दी है. तो मान लीजिए कि देयर इज एनी ट्री प्लांट्स, तो मान लीजिए कोई पेड़ है, उसपे मैंगोज का, गुआवास, जो भी पपाया, वो प्रकृति में फैला हुआ है, और जो लाकर उसको तोड़ के अपने जेब में रख लिया उसकी प्रॉपर्टी हो गई. तोड़ने में उसने श्रम लगाया या नहीं लगाया? और श्रम क्या है, लेबर क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज पार्ट ऑफ आवर इवन कैपेसिटी. यानी जहां भी हम श्रम लगाते हैं, व्हाट इज लेबर? द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल है, दैट इज द टैलेंट ऑफ इंडिविजुअल है, दैट इज द लेबर ऑफ इंडिविजुअल. तो जहां व्यक्ति अपना श्रम लगाएगा तो वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? व्यक्ति की. जहां भी अपना श्रम लगा देगा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो संपत्ति का क्रिएशन गॉड ने किया. लेकिन सच मायने में संपत्ति किसके द्वारा परिणाम हो रही है? व्यक्ति के श्रम के द्वारा. अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका मतलब है अगर आपके पास बैंक है, गाड़ी है, बंगला है, क्यों है? अच्छा, आप पढ़ रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं कि नहीं, तो कल के लिए पाईएस बन जाएंगे, तो हु इज, मतलब उसके लिए किसका योगदान है? ओनली योर. इसका मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है, जो भी जितना संपत्तिशाली व्यक्ति है उतना ही मेहनती और प्रतिभाशाली है. और इसका मतलब अपोजिट लगता है, जो गरीब है, कामचोर है, आलसी है, मेहनत नहीं कर रहा है, सही है गलत है? लेकिन लॉक ने दूसरी बात नहीं कही. ये कहा जाता है आज के कैपिटलिज्म का बेस यही है. इफ यू वॉन्ट टू डिस्कवर द वट इज द फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, संपत्ति व्यक्ति की क्षमता का परिणाम है, दैट इज अ कैपिटलिस्ट थियरी. भाई संपत्ति व्यक्ति की क्षमता है, और आगे हम मार्क्स में पढ़ेंगे, हम समाजवादी विचार ही पढ़ेंगे. इसका सीधा सा मतलब है, जिसके पास भी संपत्ति है व्यक्ति की क्षमता का परिणाम है. तो लॉक ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो जस्टिफिकेशन दिया जो शायद ही किसी ने इसके पहले दिया था. दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. भाई सीधी सी बात है, जो संपत्तिशाली है वो क्षमतावान, उसने श्रम किया है. अगला पॉइंट, लॉक ने कहा कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही भाग है. प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्सटेंशन ऑफ
right to life, or it is extension of right to even individual's personality. ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है. इसलिए लॉक के समय में जीवन का अधिकार का सीधा सा मतलब क्या है? प्रॉपर्टी. यानी मेरी कोई संपत्ति छीन ली, इसका मतलब उसने मेरे जीवन पे हमला कर दिया. क्योंकि संपत्ति हमने कैसे बनाई थी? अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से, अपने श्रम से. तो श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग है या नहीं है? व्यक्तित्व का भाग है. तो दैट वॉज हिज जस्टिफिकेशन. और इसीलिए इसलिए उसने कहा कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी टू. और लिबर्टी क्या? मान ली कल कुछ हम उत्पादन करना चाहें तो हमें करना चाहिए. इसलिए उसने प्राकृतिक अधिकार में व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना दिया. यद्यप बाद में लोगों ने इस बात पे कहा कि लॉक पूंजीवादी तो नहीं है क्या? मूल्यांकन बाद में करेंगे, लेकिन अब उसे प्राकृतिक अधिकार की बात देखने. अगला पॉइंट, उसके अनुसार स्वतंत्रता संपत्ति के बिना निरर्थक है. लिबर्टी इज ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट प्रॉपर्टी. संपत्ति के बिना स्वतंत्रता भी निरर्थक है. और उसने पहली बार धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया. फर्स्ट टाइम ही सपोर्टेड द रिलीजियस लिबर्टी. उसने धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया. फर्स्ट टाइम ही सपोर्टेड द नोशन ऑफ रिलीजियस लिबर्टी. क्योंकि उसने कहा कि राजा का धर्म प्रजा का धर्म नहीं हो सकता. द फेथ ऑफ अ किंग कांट बी अ फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. उसने कहा कि राजा का धर्म प्रजा का धर्म नहीं हो सकता. उसने पेपर लिखा था अ लेटर ऑन टॉलरेशन. उसने एक पत्र भी लिखा अ लेटर ऑन टॉलरेशन. क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म होगा. प्रोटेस्टेंट कैथोलिक दो पार्ट में आए थे और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का विरोध किया करता था, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक का. राजा कैथोलिक होगा तो प्रजा कैथोलिक, राजा प्रोटेस्टेंट होगा तो प्रजा प्रोटेस्टेंट. दैट वॉज द पॉइंट. इसलिए उसने क्या कहा, सहिष्णुता. इसलिए उसने कहा कि वी शुड हैव अ टॉलरेंस टुवर्ड द रिलीजियस व्यूज ऑफ अदर्स. और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पश्चिमी दुनिया में स्वतंत्रता का पहला विचार धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में आया. जबकि अब देखेंगे धार्मिक ही था ईसाई. ईसाई धर्म के ही दो ब्रांचेस थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. अगला पॉइंट, इसीलिए लॉक ने सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया. देयरफोर लॉक बिलीव्स इन द लिमिटेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. इसे लॉक ने सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया क्योंकि शासन की शक्तियां सीमित होंगी तो स्वतंत्रता असीमित होगी.
क्योंकि शासन की शक्तियां सीमित होंगी तो स्वतंत्रता असीमित होगी। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स अनलिमिटेड लिबर्टी, अनलिमिटेड लिबर्टी। क्योंकि याद रखिए लॉक से पूछा गया आजादी का मतलब क्या है, तो उसने कहा, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आजादी का मतलब क्या है, दूसरा दूसरे की मनमानी इच्छा और नियंत्रण से मुक्ति। आजादी का मतलब क्या है भाई, हमारा पड़ोसी नहीं तय करेगा हम क्या करेंगे, आजादी का मतलब यही है। लेकिन इसका मतलब है आजादी विधि के बिना मिलेगी ये बात संभव नहीं है, लेकिन हर विधि इसके लिए ठीक नहीं है। इसे आप जरा सोच के देखिए, जो अधिकार की बात कर रहा है, जो संपत्ति की बात कर रहा है, जो स्वतंत्रता की बात कर रहा है और जो संवैधानिक शासन की बात कर रहा है, उसे उदारवादी कहा जाए या ना कहा जाए, कहा जाए या ना कहा जाए, उसे व्यक्तिवादी कहा जाए या ना कहा जाए, कहा जाए। इसे अगला हेडिंग उदारवाद व्यक्तिवाद। एज ए लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थिंकर, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थिंकर, उदारवादी व्यक्तिवादी विचारक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लिबरल इंडिविजुअल थिंकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। लॉक उदारवादी क्यों है, व्यक्तिवादी क्यों है, पहला पॉइंट जो बातें अभी हमने पढ़ी इसको अब हम अगर देख लें, वह इज लिबरल। आपने देखा कॉल, हमने प्लेटो में भी लिबरल शब्द का प्रयोग किया था, उस समय इसको डिफाइन नहीं किया था। इस याद रखिए जैसे से हम आगे चलेंगे एक एक शब्द आपको स्पष्ट होते चले, क्योंकि सबके संबंध होते हैं और एक जगह कोई चीज हम बता नहीं सकते भाई, एक ही जगह सब चीज बताने का मतलब नहीं है, वो सब हौच पौच हो जाएगा, ये थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो वहां हमने कहा था भाई लॉक जो प्लेटो था ही वॉज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो अब हम ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है प्लेटो में देखेंगे। तो प्लेटो ने बात कही और इसलिए वो पहली बार उदारवाद की बात कर रहे हैं। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है, पहला बहुत ध्यान देने की बात है, उदारवाद का, अच्छा लॉक में उदारवाद का कोई आधार पाया जाता है नहीं पाया जाता है? अच्छा बताइए, जो राजा का शासन समर्थन करेगा उदारवादी होगा नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उदारवादी होने के लिए कंडीशन है सीमित संवैधानिक शासन, ये लॉक ने कहा। तो क्या ऐसा आप सब बताए, हॉब्स व्यक्तिवादी है इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन हॉब्स को हमने उदारवादी नहीं कहा, लेकिन क्या ऐसा कोई एलिमेंट है लिबरलिज्म का जो हॉब्स में पाया जाता है? एक बात आप याद रखिए, लिबरल्स ऑल्सो बिलीव इन प्रॉपर्टी, हॉब्स ने प्रॉपर्टी का विरोध नहीं किया। और एक बात याद रखिए, थोड़ा सा मानव स्वभाव दोनों में फर्क है आगे बता देंगे, लेकिन हॉब्स ने भी कहा कि मानव थोड़ा सा अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, लॉक ने भी कहा कि व्यक्ति प्रॉपर्टी लेना चाहता है। और रिलीजन के मामले में दोनों के विचार सेक्युलर हैं, दोनों के विचार सेक्युलर हैं, तो कुछ मामलों में असहमति का विचार तो हॉब्स ने ही दिया था। तो हॉब्स में एलिमेंट विद्यमान है बल्कि हॉब्स उदारवादी है नहीं, इस बात को क्लियरली किसने बताया, लॉक ने, पहला पॉइंट। उदारवादी उदारवादी संपत्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, फॉर लिबरल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। उदारवादी व्यक्ति को अत्यधिक, व्यक्ति की संपत्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं, और स्वतंत्रता लिबर्टी स्वतंत्रता और लिबर्टी इनके विचारों का केंद्रीय बिंदु है। लिबर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और फोकल पॉइंट
of the Lockean thought. स्वतंत्रता इनके विचारों का केंद्रीय बिंदु है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लिबरल थॉट. स्वतंत्रता अगला पॉइंट. उदारवादी व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं. लिबरल्स लिबरल्स ऑलवेज बिलीव इन द रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग. रेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल. उदारवादी व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं. और अगला. दे ऑलवेज बिलीव इन द रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग. और अगला. ये सीमित संवैधानिक शासन के समर्थक है. लॉक ने सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया. लॉक ऑल्सो बिलीव्स इन द लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. लॉक ऑल्सो बिलीव इन लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. याद रखिए ये सारे एलिमेंट उदारवादियों के हैं. जो भी इस मान्यता को स्वीकार करेगा ही या सी मे बी कैटेगराइज एज ए लिबरल थिंकर. अच्छा जो आजादी को मानता हो, संवैधानिक शासन को मानता हो, संपत्ति को मानता हो, आप उदारवादी हैं क्या? अच्छा लॉक उदारवादी था या तय है? आपका विचार क्या है? अब ये आप अगर तय करिए. कोई विचार पढ़ के पढ़िए तो उसको अपने ऊपर भी लगा के देखिए कि आप उदारवादी हैं कि नहीं. नंबर एक विवेकशीलता को मानते हैं. अच्छा चीन की गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को? देन यू आर लिबरल. क्या चाहिए? आजादी चाहिए या धर्म ईश्वर आत्मा परमात्मा? ओ माय गॉड आजादी. टैटू बनाने का मन कर रहा है? आजादी. और याद रखिए सच पूछिए आप उदारवादी समाज में रह रहे हैं. जो कपड़े यहां पहन लेते हैं गांव में पहन के देखिए फिर आपको पता चलेगा. पार्क में जिसके साथ आप यहां बैठते हैं उदारवादी. इसे याद रखिए उदारवाद पढ़ना एक अलग बात है, उदारवादी होना दूसरी बात है. तो अब आप साफ साफ सी बात है तो शहरों ने तो आधी आजादी लोगों को वैसे ही दे दी. उदारवादी लिबरल्स बिलीव इन लिबर्टी रेशनलिटी. और जब अब बताइए तो क्या उदारवादी व्यक्ति को प्राथमिक मानेगा या राज्य को? उदारवादी को व्यक्तिवादी कहा जाए या ना कहा जाए? क्योंकि याद रखिए उदारवादी क्यों है? क्योंकि जब उदारता की हम बात करते हैं इसका मतलब शासन निरंकुश नहीं होगा. अगर ध्यान से देखिए जितने भी उदारवादी होंगे वो व्यक्ति की ही आजादी की बात करेंगे. संपत्ति किसकी? व्यक्ति की. आजादी किसकी? व्यक्ति की. धार्मिक स्वतंत्रता किसका? व्यक्ति का. देयरफॉर ऑल लिबरल्स आर इंडिविजुअलिस्ट. इसे उदारवाद कहिए व्यक्तिवाद कहिए अभिप्राय एक ही है. तो फिर आप पूछेंगे अच्छा अगर यही अभिप्राय है तो हमने हॉब्स को बात क्यों नहीं कही? तो आपको याद रखिए टेक्निकल डिफरेंस भी हो सकता है. क्योंकि व्यक्तिवादी होगा तो लॉक ने व्यक्ति के जीवन के अधिकार की बात की. जीन जान है जान है जान. लॉक ने कहा यार जान है उसके आगे बात करो. अच्छा बताइए जो व्यक्ति बिल्कुल फुटपाथ पे बैठा हुआ है जिसके पास कोई कपड़े नहीं है रोजगार नहीं है उसकी भी जान है. ऐसे जीने कोई मतलब है दोस्तों? इसे बस हॉब्स जीवन की बात तो करता है. और एक खास बात है व्यक्तिवादी व्यक्ति की बात करेगा वो संवैधानिक शासन की बात करे ये जरूरी नहीं है. बात साफ देखिए जो व्यक्तिवादी होगा वो व्यक्ति की बात तो कर रहा है. हॉब्स ने भी कहा व्यक्ति संपत्ति है व्यक्ति को संपत्ति चाहिए व्यक्ति तार्किक है इंडिविजुअल रेशनल ही रिक्वायर्स प्रॉपर्टी. बट हॉब्स नेवर सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. उदारवादी कभी तानाशाही का समर्थन कर ही नहीं सकता और जो तानाशाही होगा कभी दोस्त नहीं हो सकता. हु वाज़ अ कॉल पॉपर? कॉल पॉपर का नाम आपको याद है? प्लेटो. मैंने कॉल पॉपर कौन थे? कॉल पॉपर ने प्लेटो की आलोचना क्यों की? यद्यप आप याद रखिए उदारवाद उदारवाद का अलग अलग. अब आप उदारवादी हैं या नहीं है इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है.
उस समय एक बार कोई मेरे गेस्ट प्रोफेसर आए थे, इवर फ्रॉम शिमला, तो हमने कुछ काम जेएनयू में उनका था तो हम भी साथ हो लिए, हम लोग जेएनयू गए तो कुछ उनका थोड़ा काम कुछ 2-3 घंटे बीच में ब्रेक आ गया, तो ये हुआ कहाँ थोड़ा सा हम लोग घूम टहल लेते हैं, तो कुछ नहीं किसी ने बताया बगल में पार्क है जाइए, पार्क में गए दोस्तों और जो वहां देखा वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था, कोई बात नहीं। और धीरे से तो हम लोग उदारवादी हैं रूढ़िवादी हैं। अच्छा पर मेट्रो में जा रहा था, दो आप जैसे युवा बैठे थे ऐसा काम कर रहे थे कि मतलब काम कुछ ऐसा नहीं, मतलब ऐसी यार मैं उदारवादी हूं रूढ़िवादी मैं समझ नहीं पाता। अच्छा ये टर्म रिलेटिव होते हैं, हो सकता है मैं किसी गांव के बुजुर्ग आदमी के लिए उदारवादी हूं, आपके संदर्भ में रूढ़िवादी हूं, आप भी अभी उदारवादी हैं, आपका छोटा भाई आपसे ज्यादा उदारवादी है। दिस इज योर रिलेटिव टर्म दैट नॉट एब्सोल्यूट, उदारवादी होने का मतलब यही है। तो लॉक इज लिबरल और इसे आप देखेंगे कि लॉक इज लिबरल लेकिन वो व्यक्तिवाद यानी उदारवादी व्यक्तिवादी होगा, हर व्यक्तिवादी उदारवादी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो व्यक्तिवादी तानाशाही का भी सपोर्ट कर सकता है, ऐसा हॉफ ने कर दिया। लेकिन अगर मैं स्कॉलर का रेफरेंस देखू, हु सेड दैट ही वाज लिबरल, उसको कहा किसने, भाई लॉक ने तो क्लेम नहीं किया था कि मैं लिबरल, बाद में लोगों ने कहा अच्छा अच्छा है इसी का नाम उदारवाद है, तो कहा किसने। अगला पॉइंट, जेम्स टुली ने JAMESTULLY जेम्स टुली ने, और कई विचारक हैं एक ही का नाम पर्याप्त है, जो बहुत बड़े ये हैं जिन्हें सपोर्ट किया। जेम्स टुली ने कहा कि लॉक लॉक उदारवादी है, जेम्स टुली सेड दैट ही इज अ लिबरल उदारवादी है, संवैधानिक शासन का समर्थक है, ही इज लिबरल एंड ही इज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड फादर ऑफ लिबरलिज्म टू, वो उदारवादी है सीमित संवैधानिक शासन का समर्थक है। He is a propounder of limited constitutional government. तो बात सीधी है, लॉक के प्रति हमें मतलब कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, हमें राजा से मुक्ति किसने दिलाई, कितनी बड़ी बात है दोस्तों राजा से। इसलिए याद रखिए, वंस अ स्कॉलर सेड दैट मानव सर्वत्र स्वतंत्र था, पैदाइशी स्वतंत्र था लेकिन पेड़ों में बेड़ियां पड़ गई, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। अब देखिए जब फिलोसफर बोलता है आपके पैरों में बेड़ियां हैं आप आजाद हैं, जब हम फिलोसफर बोलता है उसका उपमात्मक मतलब होता है, पैरियों में बेड़ियां किसकी थी, राजा की, सामंत की, चर्च की। अच्छा आज भी आपके पैरों में बेड़ियां हैं या आप आजाद हैं, कौन सी बेड़ियां हैं, क्या आज बेड़ियां अलग किस्म की हैं उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो लॉक तो ऐसा लगता है कि हमें तो लॉक के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए दोस्तों, वी शुड पे अ वेरी मच ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लॉक, टू माय गॉड ही गेव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिबर्टी, उसने आजादी का रास्ता दिखाया और हमें राजा की तानाशाही से मुक्त कर दिया। लॉक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उसकी आलोचना करें। जेम्स टुली कहते हैं ओ थैंक्स लॉक, थैंक्स लॉक, अगर तुम न होते तो पता नहीं राजा महाराजा हमारा क्या करता,
और हम ऐसे दास की तरह जीवन जीते रहते और तुमने आजादी का रास्ता दिखाया, इसे तुम्हें दिल से धन्यवाद देने का मन कर रहा है। एक अगला विचार, मैं फर्सन हूं, उनका बहुत खतरनाक आदमी था ये। उनका लॉ, ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, ये पूंजीपतियों का विचारक है। इस बात पर डिबेट आ जाता है। और एक बात याद रखिए, हम लोग बीएम पढ़ाते थे, ही वॉज मार्क्सिस्ट। अच्छा, उस समय तो बात समझ में नहीं आती थी, यार प्रोफेसर आपको जैसा चाहे वैसा पढ़ा दे, क्योंकि हम लोग यूपीएससी में जब पढ़ते हैं तो बी शुड बी क्रिटिकल, क्योंकि हमारी विचारधारा क्या है ये विषय पर प्रभावी नहीं होनी चाहिए, लिखने में भी नहीं है, अदरवाइज आप डिसएडवांटेज में जाएंगे। तो वो इसी तरीके से, मुझे याद है कि पूरा लेक्चर इसी तरीके से शुरू करते थे कि हॉब्स एंड लॉ को द कैपिटलिस्ट। वो जेम्स टुली का आर्गूमेंट कोई बताते ही नहीं थे, केवल उनका आर्गूमेंट ढूंढ ढूंढ के लाते थे कि हु सेड दैट लॉक इज अ कैपिटलिस्ट। लेकिन हम ऐसा, अब बाद में जब गंभीरता से पढ़ना शुरू किया तो पता चल गया, बड़ा सर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, लेकिन आइडियोलॉजिकली बायस थे। अच्छा, 90 के पहले का जमाना दोस्तों साम्यवाद से थोड़ा प्रभावित था भी, साम्यवाद ऐसा लगता था समाजवाद से बड़ा कोई मामला नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमें क्रिटिकली देखना पड़ता है। तो हम किसकी बात माने, जरा लॉक के आलोचकों में देखे, कौन कहता है लॉक पूंजीवादी था? जेम्स ने कहा नहीं, संविधानवादी, उदारवादी, और हमने इसे टाइटल दिए व्यक्तिवाद, उदारवाद। ये बहुत बड़ी विचारधारा है, आज के 400 साल में वही तो प्रभावशाली है। लेकिन दूसरा कौन मानता है दोस्तों? और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है जहां उदारवादी विचारधारा न हो वहां जाकर ये विचारधारा और समझ में आ जाती है कि विचारधारा का मतलब क्या होता है। कई बार आजादी का मतलब पढ़ के समझ में नहीं आता, आजादी क्या होती है कई बार देख के समझ में आ जाता है। देखे कैसे, अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन था तो वहां पे एक महिला किसी पुरुष के साथ घूम रही थी, उसकी नाक काट ली गई, केवल दोष ये था पुरुष के साथ घूम रही थी। काश दोस्तों यहां तालिबानी आ जाते, कितने लोगों के नाक सही सलामत होती, ये तय करना मुश्किल हो जाता। ये होता है उदारवाद का न होना। इसे कई कई बार जब चीजें आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है उसका महत्व आप नहीं समझते। आजादी ऐसा लगता है बहुत सामान्य आजादी। संजू बाबा से पूछा गया, जब जेल में गए, उन्हें पूछा गया कैसा लग रहा है, उनका आज मुझे आजादी का मतलब समझा, उनका अरे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा क्या, उनका पढ़ा कुछ नहीं है, फील किया है। यही मामला है, कई चीजें जब बिना, इसलिए आजादी बहुत बड़ी चीज है। जस्ट यू हैव टू सेंसेशलाइज एंड रियलाइज द थिंग दैट ओ माय गॉड, लिबर्टी इज समथिंग ग्रेटर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसलिए हमें तो लगता है इसको धन्यवाद दिया जाए, लेकिन इसके आलोचक भी हैं। तो आलोचक कौन है, अगला हेडिंग है लॉक पूंजीवादी विचारक। और आलोचना तभी लिखे जब पूछी जाए, न पूछिए बिल्कुल मत लिखिए। हु क्रिटिसाइज लॉक, पहला लॉक पूंजीवादी विचारक के रूप में, लॉक एज द कैपिटलिस्ट। लॉक एज द कैपिटलिस्ट, अच्छा कोई नई बात नहीं है। जितने भी मार्क्सवादी सोच के लोग हैं वो कहते हैं उदारवाद का सही नाम क्या है, पूंजीवाद। जितने भी मार्क्सवादी सोच के लोग हैं उदारवाद को किस रूप में बताते हैं, कैपिटलिज्म। अब वो सही है नहीं सही है ये डिस्प्यूट का पॉइंट हो सकता है। तो आलोचना में सबसे बड़ा नाम है मैकफर्सन का, वही मैकफर्सन जो हॉब्स की भी आलोचना करते हैं, इनका काम ही आलोचना करना है। मार्क्सवादियों का स्वभाव अरविंद केजरीवाल जैसा है, वो सबकी धज्जियां उड़ा कर रख देंगे। तो मैकफर्सन ने लिखा, किताब लिखा पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, सत्वमूलक व्यक्तिवाद। हिंदी में कहते हैं, अब सत्वमूलक का हिंदी अनुवाद और भी हो सकता है, हिंदी में कई बार शब्द अलग अलग आते हैं। तो पॉलिटिकल थियोरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद डैश हॉब्स एंड लॉक। डैश
कॉप्स हैं लोग, पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म डैश हॉब्स एंड लॉक। अब बड़े ध्यान देने की बात है कि आखिर में इसका मतलब क्या है। जो अच्छा जो क्लेरिफाई कर दें, मैकफर्सन ने किसी सत्यमूलक व्यक्तिवादी कहा, हॉब्स और लॉक को। इसका मतलब इसे सत्यमूलक व्यक्तिवादी का मतलब आपको बता दें कि व्हाट इज अ पॉजिटिव स्वामित्व। पॉजिटिव का मतलब होता है स्वामित्व, मालिकाना हक। अच्छा आप मालिक हैं कि राजदार हैं? अच्छा मालिक नहीं है आप, मालिक हैं कि राजदार हैं? आर यू मास्टर? मालिक हैं, मालिक हो। अच्छा किसके मालिक हो? क्या एक बात याद रखिए, जितने व्यक्तिवादी किस्म के लोग हैं, जितने उदारवादी हैं, वो कहते हैं आई एम ओनर ऑफ माई माइंड, माई बॉडी, माई कैपेसिटीज। जितने भी आप याद रखिए, उदारवादियों का ये हमेशा फेमस सेंटेंस रहा है। कोई भी उदारवादी होगा, उदारवादी मानता है पहला तो मैं अपना खुद का मालिक हूं, इसलिए आप किराएदार नहीं है। अपनी क्षमता के, अपनी प्रतिभा के मालिक कौन है? आप है। ये उदारवादियों का बेस लाइन है। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्ति के पास जो भी कुछ स्वामित्व है वो उसी का है। क्यों? क्योंकि उसका अर्जन उसने अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार किया है। तो अपने लिख लीजिए इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव। फिर हम बताएं इस सत्यमूलक व्यक्तिवाद है क्या, व्हाट डज इट मीन बाय द पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। सत्यमूलक व्यक्तिवाद का मतलब क्या है? फिर हम मैकफर्सन की बात करें, स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद, स्वत्व या स्वामित्व, स्वत्व मूलक कहिए, स्वामित्व मूलक कहिए, यह आपकी मर्जी है। या कभी मालिकाना की बात कर दी जाए तो अनुवाद आप कई कर सकते हैं, स्वत्व मूलक स्वामित्व पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। तो सत्यमूलक का मतलब क्या है? पहला, मैकफर्सन ने हॉब्स और लॉक को सत्यमूलक व्यक्तिवादी कहा। फॉर मैकफर्सन Hobbes and Locke are the positive individualist. मैकफर्सन ने Hobbes और Locke को स्वत्वमूलक व्यक्तिवादी कहा। जिसका अभिप्राय है जिसका अभिप्राय है कि हॉब्स और लॉक ने व्यक्ति की संपत्ति को व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम माना। व्यक्ति की संपत्ति को व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम माना। फॉर हॉब्स एंड लॉक द प्रॉपर्टी इज द रिजल्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल और लेबर ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति की संपत्ति को व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम माना, अतः पूंजीवाद का समर्थन किया। देयरफोर बोथ आर आउट एंड आउट कैपिटलिस्ट। इसलिए पूंजीवाद का समर्थन किया,
इसलिए की बात का समर्थन किया। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए बोथ आर आउट एंड सत्यमूलक व्यक्तिवाद का मतलब यह आलोचना है। सत्यमूलक व्यक्तिवाद मैकफर्सन नहीं है, मैकफर्सन ने किसको कहा? हॉब्स एंड लॉक को। यानी सत्यमूलक व्यक्तिवाद का बहुत आम भाषा मतलब बता दे, पूंजीवादी, पूंजीवादी। सत्यमूलक व्यक्तिवाद का मतलब है कि जो संपत्ति का समर्थन करे। और सवाल यह है आज की मैकफर्सन का जो कहो समाजवाद की तरफ है, तो समाजवादी क्या मानता है? संपत्ति व्यक्ति की क्षमता का परिणाम है, समुदाय की देन है। एक बात याद रखिए, हम आगे समाजवाद आपको बताएंगे कि मैकफर्सन का झुकाव समाजवाद की तरफ है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, सोशलिज्म और उदारवाद में एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म। सोशलिस्ट मानते हैं आज हम जो भी हैं वो परिवार के कारण है, विश्वविद्यालय कारण है, समाज के कारण है। यानी इसने हमारी संस्थाओं के विकास, हमारी क्षमताओं के विकास में योगदान दिया है। लेकिन आप देखेंगे पूंजीवादी उदारवादी क्या मानते हैं? न परिवार न समाज। यानी समाजवादियों के हिसाब से कहेंगे व्यक्ति के पास आज जो भी है उसमें समाज का योगदान है, इसलिए व्यक्ति जो भी कमाए समाज को भी दे। समाजवादी ऐसा मानते हैं, उदारवादी नहीं। उदारवादी कहते हैं जो भी मेरे पास है किसके कारण है? मैं, मेरे कारण है, इसलिए उसमें मैं किसी को भी हिस्सा देने नहीं जा रहा हूं। यही तो सत्यमूलक व्यक्तिवाद है। यानी कुल मिलाकर सत्यमूलक व्यक्तिवाद जैसे चाहे वैसे परिभाषित करें तो हॉब्स एंड लॉक ने क्या किया? संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को जायज ठहरा दिया। यही तो सत्यमूलक है। यानी जिनके पास संपत्ति है सब जायज है। तो मैकफर्सन से पूछा जाए कि लॉक ने लिबर्टी ये एक बात की कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ बात की, लेकिन सवाल है संपत्ति थी किसके पास? समाज में संपत्ति किसके पास होती है? थोड़े लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास। पहले भी यही था, आज भी यही है। इसे याद रखिए, उदारवादी लिबरल स्टेन दैट नो वी आर स्पीकिंग फॉर एंटायर सोसाइटी, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सोशलिस्ट से दैट नो। देखिए आजादी, आजादी का मतलब है कि दुनिया में जहां चाहे वहीं चले जाइए। दिल्ली से लगभग 150 देशों के लिए सीधे फ्लाइट जाती है, और दिल्ली बैठिए घूम टहल कहीं चले आइए। इसलिए दोस्तों किसी ने सॉन्ग किया था जग घूम या तेरे जैसे न कोई, तो जग घूमने का एटीएम तो हो पहले। यहां तो मियां के तेरे दौड़ मस्जिद, घर से कोचिंग, घर से जग घूमने की फुर्सत कहां है, कहां पैसा है? दैट इज इंपॉर्टेंट। आजादी किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए, आम व्यक्ति के लिए। इसे जब घूमिए या खोपचे घूमिए, जग घूमिए, अलीब सी बात है। इसे लॉक, लॉक गिफ्ट दे रहा है। अरे यार हमारा तो शोषण राजा करे या पूंजीपति करे बराबर की बात है, हम कहां आजाद हुए? तो सवाल है पहले राजा, पहले जिल्ले इलाही सम्राट अकबर थे, अभी तो मोदी है, अंबानी है, तो हम कहां आजाद हुए दोस्तों? आपके पैरों में कभी भी बेड़ियां हैं गरीबी की, बेरोजगारी की बेड़ियां हैं नहीं है? मच्छर, मलेरिया, डेंगू, कहां आजाद हुए दोस्तों? और 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं, आजाद हुए ना आजाद हुए? आजाद कहां हुए? बेड़ियां है या नहीं है? इसे मालिक, अरे हम अपने शरीर, मेरे शरीर का मालिक मेरा परिवार भी है, आपके शरीर का मालिक मैं भी हूं। ये देखो अरे मैंने कुछ योगदान दिया कि नहीं आपके सफलता में? आप कल कहोगे नहीं मैं ठान दूंगा दोस्तों, छोड़ दूंगा मैं आपको, और आप सफल हो जाइए, और फिर पेरेंट्स से बोले तब ये मैंने सफलता अर्जित की है, तुम्हारा से योगदान नहीं, तब कहोगे लठ निकाल, लठ निकाल पहले तुम, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए यही तो बड़ा डिबेट है। समाजवादी कहते हैं जो भी आपके पास है समुदाय की देन है, पूंजीवादी कहते हैं जो भी मेरे पास है किसकी देन है? मेरा मेरा मेरा, ये झगड़ा है। तो मैं फिर से इसी बात की आलोचना करते हैं। अब ये बात है कि किसका नजरिया सही है किसका गलत है, लेकिन बात पे दोनों आलोचना है। तो मैकफर्सन ने कहा क्या? अच्छा मैकफर्सन को लोगों ने बताया यार देखो लॉक ने संपत्ति पे प्रतिबंध लगाया था, ऐसा नहीं कि लॉक कह रहा है संपत्ति, वैसे प्रतिबंध लगाया। उनका कोई प्रतिबंध नहीं लगा, बहुत होशियार आदमी था वो।
और जो प्रतिबंध लगा है उसके भी कोई मायने नहीं है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मैकफर्सन ने कहा कि लॉक के द्वारा संपत्ति के अर्जन पर लॉक पुट टू रिस्ट्रिक्शंस ओवर द एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी। लॉक के द्वारा संपत्ति के अर्जन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। लॉक के द्वारा संपत्ति के अर्जन पे दो प्रतिबंध आरोपित किए गए थे। नंबर एक, संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। नो बडी इज अलाउड टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। नो बडी इज अलाउड टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी। और दूसरा, कुछ संपत्ति दूसरों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। इंडिविजुअल शुड लीव सम प्रॉपर्टी फॉर अदर्स टू। Nobody is allowed to destroy his own property. An individual should leave some property for others too. Locke ने संपत्ति के अधिकार की बात करते हुए दो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। उसने कहा था, भाई देखो, संपत्ति का डिस्ट्रॉय मत करो, दूसरों के लिए छोड़ दो। तो मैकफर्सन से बताएगा कि देखो यार, वो संपत्ति को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और तुम कह रहे हो उस पूंजीपतियों का फिलोसफर था वो, कैपिटलिज्म का। अच्छा, कैपिटलिज्म की बड़ी विस्तारित व्याख्या करेंगे मार्क्स में। तो अच्छा, मैकफर्सन ने कहा नहीं, मैकफर्सन ने कहा कोई प्रतिबंध, बेकार ऐसा प्रतिबंध क्यों। अगला पॉइंट, मैकफर्सन ने कहा कि पूंजीवाद के विकास के बाद संपत्ति पर आरोपित ये प्रतिबंध निरर्थक हो गए। दीज रिस्ट्रिक्शंस बिकेम द मीनिंगलेस इन द कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। These restrictions became meaningless in the capitalist form of economy. यानी पूंजीवाद के विकास के बाद ये संपत्ति ये प्रतिबंध निरर्थक हो गए, क्योंकि पूंजीवादी युग में संपत्ति के रूप में मुद्रा का विकास हो गया। पूंजीवादी युग में संपत्ति के रूप में मुद्रा का विकास हो गया। देयर वॉज सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इन द कैपिटलिज्म और करेंसी बिकेम द मीडियम ऑफ द कैपिटल इन द कैपिटलिस्ट एज। इसका मतलब है, मैकफर्सन ने कहा, लॉक ने जो संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, इट वॉज अपियर दैट इट वॉज ओनली फॉर द लैंडेड प्रॉपर्टी। वो भूमिगत संपत्ति के लिए थी, भाई कुछ संपत्ति छोड़ देनी चाहिए दूसरे के लिए। इसका मतलब संपत्ति हमारे पास ज्यादा थी, इसे छोड़ देनी चाहिए। और कई लोग कहते भी हैं कि लॉक का विकास उस समय हो रहा था व्हेन अमेरिका वाज एज अ कॉन्टिनेंट वर डिस्कवर्ड। बिल्कुल, उन्होंने कहा लॉक ने अपना विचार दिया था, उसके दिमाग में अमेरिका भी था। अमेरिका हम लोग नई जगहों से गए, पूरी जमीन पड़ी हुई थी, सब लोगों ने जमीन एक्वायर कर ली, जिसने जो जमीन ले ली उसकी हो गई।
तो सच बात, अच्छा संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, आलू गोभी टमाटर भिंडी मटर, पोटैटो टोमेटो कैन बी डिस्ट्रॉयड, हाउ करेंसी गोल्ड एंड इवन शेयर कैन बी डिस्ट्रॉयड। आज आज संपत्ति के एक जमाना था जब लोगों की संपत्तियां दिखती थी, विजिबल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, और मैंने तो गांव में इस बात को देखा हुआ है, लोग इतनी होशियारी से काम करते थे। पहले गांव माना जाता था जिसके घर के दरवाजे जितने संख्या में बैल हैं, बुलॉक्स हैं, वो उतना बड़ा लैंड जमींदार है। तो लोग बैल गिन के पहचान लेते थे कि आदमी की हैसियत क्या है, इट वॉज विजिबल। अच्छा उसमें इतने होशियार लोग थे जब पता चलता है कोई शादी ब्याह के लिए आ रहा है, दूसरे के घर का बैल अपने घर के सामने मार लेते थे, बड़ी होशियारी लोगों में थी। लेकिन अब बताइए मुखर्जी नगर में किसको देखकर बता सकते हैं किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है बैल गिन की? लैंडेड प्रॉपर्टी दिखती है भाई, कब लोग दिखाते थे, किसी को लोग दिखाते, देखो यहां से वहां तक जहां देख सकते हो मेरी प्रॉपर्टी है, बस सीधी सी है। तो मैकफर्सन ने कहा कि लॉकियन रिस्ट्रिक्शन इज ओनली यूजफुल फॉर द लैंडेड प्रॉपर्टी, नॉट फॉर द न्यू मोड ऑफ प्रॉपर्टी। और नया मोड क्या है? शेयर है, गोल्ड है, करेंसी है, दैट कैन बी नीदर डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी लेफ्ट फॉर अदर्स। और दूसरा है दूसरे के लिए छोड़ दो, मतलब नैतिकता कर रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो, और सवाल ये दूसरे के लिए छोड़ तब देंगे जब हमें ज्यादा लगे, और संपत्ति आज तक किसी को ज्यादा लगी नहीं। इसलिए मैकफर्सन ने कहा बेकार की बातें हैं, इज आउट एंड आउट कैपिटलिस्ट थिंकर। निष्कर्ष क्या लिखें, पूंजीवाद के पक्ष में जाए या संविधानवाद के पक्ष में जाए? क्या एक बात याद रखिए दोस्तों, हम संविधानवाद के पक्ष में जाएंगे। अगर कोई ना कोई इसका योगदान ना होता तो हम इसे क्यों पढ़ते? और देखिए मार्क्सवादियों की एक समस्या आगे आपको बता देंगे, मार्क्सवादी, एनीवन हियर फ्रॉम बंगाल? ठीक है तब मैं एग्जांपल दे सकता हूं। अरे लेकिन ऐसा कोई मजाक है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। आपने सुना भूखा बंगाली भात भात, बंगाली को हमेशा मच्छी भात चाहिए। अरे कोई और भी तो खाना हो सकता है, खा लो, यही मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी कोई प्रॉब्लम आएगी कहेंगे इकोनॉमिक, अगर दो लोग लड़ रहे होंगे तो पूछे मार्क्सवादी पूछे क्या मामला होगा, एक मालिक होगा थोड़ा मजदूर होगा। अरे लड़ाई के और भी कारण होते हैं, इसे मैकफर्सन इज ऑल्सो समहाउ नियो मार्क्सिस्ट, मतलब झुकाव उधर है, तो यही बात कहेंगे पूंजीवादी। निष्कर्ष क्या है लिख लीजिए, कंक्लूजन। लॉक, लॉक की संपत्ति में व्यक्ति का जीवन शामिल है। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। लॉक की संपत्ति में व्यक्ति का जीवन शामिल है, उसकी आजादी भी शामिल है। द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, इसीलिए इसीलिए उसने उदारवाद, संविधानवाद, इसलिए उसने उदारवाद संविधानवाद का मार्ग प्रशस्त किया। Therefore, he is considered as a father of liberalism, constitutionalism, उदारवाद संविधानवाद का मार्ग प्रशस्त किया जो वर्तमान युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। यानी 400 सालों बाद वर्तमान युग में भी अत्यधिक प्रासंगिक है, विच इज वेरी मच रेलिवेंट इन द प्रेजेंट एज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो आज के उदारीकरण भूमंडलीकरण के जमाने में अत्यधिक प्रासंगिक है।
याद रखिए, जो लोग उसे पूंजीवादी कह रहे हैं उसकी संपत्ति का मतलब लैंड से भी पहले क्या था, ह्यूमन लाइफ। यानी सच मानिए सबसे बड़ी संपत्ति तो हम है और इस संपत्ति पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, जमींदार का नहीं, राजा का नहीं और पोप का नहीं। ये कितनी बड़ी बात थी। ऐसे विचारक को ये कहना कि नो नो ही वॉज, और वो तो क्रांतियों का विचारक था, क्रांति के लिए गौरवमयी क्रांति का वही तो पिता था, और दुनिया में संवैधानिक शासन और अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन मेडिसन का गुरु कौन था, लॉक। दे सकते ने ये लॉक, लॉक लॉक इज अ फोर फादर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, फोर फादर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फोर फादर ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका जेफरसन एंड मेडिसन। लॉक के विचारों को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने पहली बार मूर्त रूप दिया। ऐसे विचारों को ये कहना कि नहीं नहीं वो केवल पूंजीपतियों का था, दैट वॉज ऑब्जेक्शनेबल, कमियां हो सकती हैं उसमें। अगला अगला देखिए, लॉक को जरा हम लॉक और हॉब्स को कंपेयर कर कुछ बातें निकालें। अगर हम लॉक को हॉब्स से कंपेयर कर लें और कुछ एक आध दो बात जो लॉक में बची हुई है वही आपको बता दें। तो अगला हेडिंग है, यहां तक आपको कोई सवाल पूछना है? कुछ ने एक दो सवाल दिया भी है। किसी ने कहा कि अगर एक ही वस्तु पर कई लोगों का श्रम लगा हो तो उस वस्तु पर अधिकार के लिए कई व्यक्तियों में संघर्ष नहीं होगा। देखिए लॉक में कुछ प्रॉब्लम तो है, लॉक ने तो यहां तक दिया था। अब देखिए, अब ऐसी आलोचना तो हम किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहा विचारकों को अपने हिसाब से नहीं, विचारकों कमेंटेटर के हिसाब से देखिए। हम आप इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं है कि उन पर कमेंट कर दें पहला, और कई बार आप देखेंगे कि मानविकी विषय पढ़ने में यही गड़बड़ी आ जाती है कि मानविकी विषय पढ़ने में हम अपना विचार देने लगते हैं। हमें अपना विचार नहीं देना है, हमें स्कॉलर को रिफरेंस करना है इस बात पे। हाँ, ये बात कुछ लोगों ने उठाई है कि लॉक से कहा गया क्या था, हमारी संपत्ति पे हमारा नियंत्रण है, तो मान ली कोई कैपिटलिस्ट है उसने श्रमिक लगा रखे हैं और उसके अंतर्गत जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी श्रम पर किसका नियंत्रण होगा, उनका मालिक का। ऑब्जेक्शनेबल था ये, और मार्क्स ने इसीलिए बात कही भी आ गया। फिर किसी ने सवाल किया है कि व्हाट आर द वेज इन विच मैन मे स्केप द स्टेट ऑफ नेचर एज एक्सप्लेन बाय हॉब्स, व्हाट पैराडॉक्स अराइजेस आउट ऑफ दिस वे ऑफ स्केप। आपने पूछा ये सवाल है कि हॉब्स प्राकृतिक अवस्था से क्यों भाग जाना चाहता है, उसमें विसंगति क्या है। विसंगति सीधी यह है कि समझौता इसीलिए हुआ कि व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकार छोड़े, और जो स्वार्थी व्यक्ति अपने अधिकार छोड़ेगा यही ऑब्जेक्शनेबल है, दैट इज अ पैराडॉक्स। हाउ अ सेल्फिश पर्सन कैन लीव हिज एनी राइट एंड हॉब, अभी इस बात को हमको बताने जा रहे हैं, एंड हॉब सेड दैट कि विदाउट लिविंग सम राइट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल। ये पैराडॉक्स है। अब किसी ने कहा शासन प्रशासन में क्या अंतर, सब पॉलिटी में बता देंगे, अभी थिंकर पर ध्यान रखिए, शासन प्रशासन पीछे में पड़ी। राजनीतिक बाध्यता, राज्य की बाध्यता या राजा की बाध्यता क्या होगा, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि राज्य की आवश्यकता क्या है, राजा की बाध्यता नहीं ना राज्य की बाध्यता है, राज्य की आवश्यकता क्या है, इस बात को समझिए। ऑब्लिगेशन का मतलब हमारा दायित्व क्या है, तो राजा का दायित्व क्या है, अगर राज्य की बाध्यता आप समझ सकते हैं, राजा का दायित्व क्या है, लोगों की जीवन की रक्षा करना, हॉब्स। अगर राजा यह ऑब्लिगेशन पूरा न कर पाए तो हम क्या करेंगे, अपनी जान बचाने के लिए विद्रोह करेंगे। यदि हॉब्स ने उसका अधिकार दिया नहीं है तो दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ किंग। तो यह पोलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व होगा राजा का, क्योंकि हमने उसी को तो अधिकार सौंप दिया है, हॉब्स ने ऐसा कहा। अभी लॉक में भी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देखेंगे कि इसके शासन का ऑब्लिगेशन क्या है। अगला है, आप कंपेयर कर दें, अगर देखिए हॉब्स लॉक के कंपेयर करते समय लॉक में कुछ बातें आपको बता दें, इसको हटा दें। अभी जो बातें आपको बताने जा रहे हैं उधर आजकल एग्जामिनर का ध्यान कम है, अभी तक जो हमने बताया उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। लेकिन जब परंपरागत रूप में हम हॉब्स और लॉक को पढ़ते थे तो इस तरीके का खूब प्रयोग करते थे,
परंपरागत रूप में सवाल इधर से आते थे, अभी पूरा चेंज हो गया है, बहुत बेसिक सी बात पूछी जा रही है। आपको हॉब्स फिर याद दिला दें, तभी तो लॉ को कंपेयर करेंगे। हॉब्स लॉ को कंपेयर करना है तो फिर लॉक से विशिष्टता आपको देखेगी कि व्हाट इज समथिंग यूनिक इन लॉक। तो पहला देखेंगे कि हॉब्स में समझौता किया गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया गया, क्यों किया गया? सेल्फ प्रिजर्वेशन, जीवन को बचाने के लिए, आत्मसंरक्षण। दूसरा, समझौता एक था या दो? एक समझौता था। हॉब्स ने इसी बात कही है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक। दूसरा, समझौते के बाद क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्यूट मोनार्क। निरंकुश राजा, यही बात थी। बाकी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं कि समझौता ऐतिहासिक नहीं है, सैद्धांतिक है, फिलोसॉफिकल है, थ्योरेटिकल है, तो बाकी चीजें मैंने बता रखी है। इसका मतलब है हॉब्स का समझौता कैसा था, व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया और ये परिकल्पना तक तो था ही, और इसी से क्या बन गया, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार या राजा, उसने शब्द एक पर्याय के रूप में प्रयोग किया है, ऐसा था। और दूसरी बात देखेंगे, लोगों का जीवन खतरे में क्यों था? प्राकृतिक अवस्था थी, स्टेट ऑफ नेचर था। और प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अराजकता की थी, संघर्ष की थी। प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की थी और मानव का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी। इसी बात याद रखिए, हॉब्स एंड लॉक का स्ट्रक्चर ऑफ थॉट एक है। स्ट्रक्चर ऑफ थॉट का मतलब है तीनों एक बात करते हैं, प्राकृतिक अवस्था, मानवीय स्वभाव और सामाजिक समझौता। द स्ट्रक्चर ऑफ हॉब्स एंड लॉक इज वेरी सेम। तीनों का आधार एक है कि स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीनों के आधार एक जैसे हैं, स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव, और दूसरा क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। यही परंपरागत रूप में दोनों बात करते हैं। अब जरा देखिए, अब हम देखें लॉक। अच्छा, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अराजकता। और क्यों अराजकता थी? मानव स्वभाव इगोइस्ट था, सेल्फिश था। अब देखेंगे लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है? इट इज पीसफुल। ध्यान देने की बात है, इसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? संघर्ष, लड़ाई। और हुआ ही लॉक इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज पीसफुल। इसकी प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण क्यों थी? अच्छा, आपके अगर कुछ लोगों के मन में हो यार ये कौन सी बात हो गई, इसने कहा ऐसा था, अरे भाई उनकी मान्यता थी, उसमें हम क्या करें? तो आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाई दो लोग हैं, दो अलग अलग फिल्म बना रहे हैं, कोई लव स्टोरी बना रहे, कोई स्टंट बना रहे, हमने क्यों ऐसा बनाया, उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप बताइए, स्टेट ऑफ नेचर यहां खतरनाक था और यहां क्या है, पीसफुल। तो प्राकृतिक अवस्था पीसफुल क्यों है, बताइए कारण क्या है? क्या ह्यूमन नेचर इज गुड, मानव का स्वभाव अच्छा, अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगे। ह्यूमन नेचर इज गुड, अपने आप चेंज हो गया,
व्यक्ति अच्छा होगा समाज का अच्छा अपने आप हो जाएगा। ह्यूमन नेचर इज गुड, लेकिन ये बात दोनों में समान है। वो भी कहता है व्यक्ति तार्किक है, ये भी कहता है तार्किक है। वो भी कहता है कि व्यक्ति अपनी चीजों को बचा कर रखना चाहते हैं। लॉक ने ये भी कहा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लुकिंग फॉर गेटिंग मोर एंड मोर प्लेजर। व्यक्ति ज्यादा ज्यादा सुख चाहता है, अच्छी चीज लेना चाहता है, ऐसा लॉक ने कहा है। इंडिविजुअल वांट टू गेट मोर मोर प्लेजर प्रॉपर्टी, उसने भी कहीं कहा है। लेकिन मानव स्वभाव झगड़ालू नहीं है, मानव का स्वभाव झगड़ालू नहीं है, पीसफुल है। अब दूसरी बात देखेंगे, अगर ह्यूमन नेचर पीसफुल है तो प्राकृतिक अवस्था में और क्या था? देयर वॉज अ नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार भी था। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्राकृतिक अधिकार भी था और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि भी थी, ईश्वरीय विधि भी थी। देयर वॉज अ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विध था, प्राकृतिक अधिकार था। अब आप देखेंगे यहां का स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहां वार बिटवीन, वार विथ ईच अदर, यहां ऐसा था। एक बात आप याद रखिए, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था अफगानिस्तान जैसी थी और लॉक की प्राकृतिक अवस्था स्विट्जरलैंड जैसी है। इसलिए हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जहां संघर्ष था, जीवन खतरे में था, लोग लड़ रहे थे, वहां तो समझौता करने का मामला हो सकता है, वहां तो समझा सकता है कि व्हाई पीपल वांट टू केम आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर। जान है तो जान है, यहां तो कोई समस्या ही नहीं थी तो हम यहां क्यों निकले। अजीब सी बात नहीं हो गई? इसे कई बार कहा जाता है लॉक का चिंतन इसके बाद रुक जाता है। उसने ऐसा स्टेट ऑफ नेचर, जैसे आप बताएंगे, अगर अब आप कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, तीन तीन चार चार फैक्ट्री है, सब कुछ है, फिर भी मैं सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन कर रहा हूं। क्यों मत कर रहे यार ऐसा, अरे एंजॉय करो। राहुल गांधी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या? विजय माल्या का बेटा, कमाल की बात है। ये कंडीशन तो यहां है, सब कुछ है तो फिर हमें निकले क्यों यहां से? अब कोई कह रहा है मैं स्विट्जरलैंड में रह रहा हूं, तो आप कहेंगे यार मैं दूसरे समाज में रहना चाहूं। क्यों? इफ यू आर लिविंग इन पीस देन व्हाई यू शुड कम आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ नेचर? लॉजिकल सवाल होगा, नहीं होगा। लॉक में बात थी, ठीक है, यहां तो जान ही खतरे में थी, बाहर निकलना जरूरी था। लेकिन अब देखिए, अब लॉक को कोई ना कोई ट्विस्ट तो करना था। उसने कहा बात तो सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, झगड़ा तो नहीं है? लॉक ने कहा कि अखिल समझौता, व्हाई देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, क्यों किया जाए? क्योंकि विचार तो आगे बढ़ाना ही था, फिल्म है, अब दुर्घटना होगी बीच में, देयर शुड बी सम इंसिडेंट। तो यहां लॉक ने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था में सब कुछ तो ठीक था लेकिन कुछ असुविधाएं थी। देखिए इतना सॉफ्ट टर्म का यूज कर रहा है, झगड़ा नहीं था, वॉर नहीं था, देयर वॉज सम इनकन्वीनियंसेस। इनकन्वीनियंस, अच्छा हो सकता क्लास में थोड़ी आपको इनकन्वीनियंस होती हो, दैट इज एक्सेप्टेबल, ऐसा तो नहीं कि वॉर कंडीशन है। इनकन्वीनियंस कभी मेट्रो में आ सकते हैं, मेट्रो में समटाइम देयर बी इनकन्वीनियंसेस, और सुविधा होना एक अलग बात होती है। अच्छा यहां क्या थी, असुविधा थी या जीवन खतरे में था? इसको बहुत माइल्ड टर्म का यूज किया है, लिबरल वैसे भी बड़े माइल्ड ही होते हैं, लिबरल्स ऑलवेज बिलीव इन मिडिल पाथ। तो सवाल है कि व्हाट वाज दिस इनकन्वीनियंस, असुविधा थी क्या? तीन असुविधा क्या थी, तीन थी। पहला,
असुविधा तीन थी। पहला, मानव निर्मित विधि का अभाव था, एब्सेंस ऑफ ह्यूमन मेड लॉ। मानव निर्मित विधि का अभाव था। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन मेड लॉ। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इधर इधर देखिए, प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल लॉ था बट इट वॉज नॉट ए कोडिफाइड लॉ। भाई प्राकृतिक विधि कहीं लिखी थोड़ी थी, इसे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक विधि थी लेकिन मानव निर्मित विधि नहीं थी, पहली समस्या। दूसरा क्या क्या प्रश्न क्या पूछना चाहते हो, क्लियर बताओ। हम तो नहीं, समझ में नहीं आ रहा आपका, बताओ। अरे अभी तो बाद में आएंगे, अभी तो जहां, आप याद रखो प्राकृतिक अवस्था का मतलब जहां राज्य नहीं था, सरकार नहीं थी, तो राज्य सरकार की बात तो हुई आई नहीं। ये तो बात तो स्पष्ट है, प्राकृतिक अवस्था में एक मामले में दोनों एक समान होगा, लैक ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। राज्य नहीं था, सरकार नहीं, तभी तो प्राकृतिक अवस्था है, बाकी अंतर है। तो अभी सीमित संवैधानिक शासन कहां चली आई, अभी तो हमें अभी फिल्म शुरुआत हुई नहीं, तो आपने पूरा कर दिया। क्या मानव निर्मित की जरूरत इसलिए पड़ गई, अब देखो इसलिए पड़ गई। अच्छा ये पार्लियामेंट लॉ क्यों बनाती है, लॉ न बनाए तो ऐसी जरूरत समाज चल जाएगा नहीं चल जाएगा, यही बात है। मानव स्वभाव अच्छा था, उसके बावजूद भी आपकी नजर दूसरे की संपत्ति पे हो सकती है, पहला। और दूसरा, अब आपने कहा कि ईश्वर ने हमें भी संपत्ति दी, पड़ोसी को भी दी। पड़ोसी ने कह रहा कि रात में ईश्वर ने हमें सपना दिया कि आपका घर मेरा है, लड़ाई शुरू हो गई। इसे याद रखिए, बिना राज्य बिना सरकार के नैतिकता से दुनिया चल जाती तो मामला आज तक विधि का निर्माण होता नहीं, इसलिए हमें विधि के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। लॉक ने ऐसा नहीं माना मानव स्वार्थी है, लॉक ने ऐसा नहीं माना, लेकिन अगर तुम लॉक के पीछे पड़ जाओगे तो ऐसा निष्कर्ष निकाल लोगे। अगर मैं इस बात के लिए आमादा होगा अब मैं लॉक की धज्जियां उड़ा के रहूंगी, फिर तो उड़ा दोगी। इसे लॉक को लॉक के हिसाब से देखोगी, अपने हिसाब से, इसे ज्यादा दिमाग नहीं। कई बार हम कहते हैं बार ज्यादा दिमाग लगाते हैं बच्चे गलत दिशा में। अच्छा अगर अगर आप जैसा मैं दिमाग लगाने लगाऊं फिर तो बेचारा पढ़ाने मुश्किल हो जाएगा। मैं यार ऐसे कैसे कह दिया, बेकार के बैठे ऐसे कैसे कह दिया। अच्छा कई कई बार हर जगह पढ़ने में ऐसा होता है, कई बार देखते के बच्चे, जैसे पॉलिटी में तो खास तौर में देखता हूँ, बच्चा बोल सर इस केस में क्या कहा गया था। मैंने कहा एग्जाम से देखो, पेपर देखो, पेपर देखो, इस केस में क्या कहा गया था, फितूर। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग में बता दें, ज्यादा पढ़ के भी लोग फेल होते हैं, आपने कम सुना होगा, ज्यादा रियलिटी यही है। एक बार एक, मैं तो ये नहीं कहूंगा मैं अच्छा टीचर हूं, लेकिन एक बार एक टीचर के साथ विश्वास साथ आ जाइए, देन क्लोज योर आईज, ब्लाइंड ब्लाइंड, क्योंकि मैं ब्लाइंड नहीं हूं, बी ए ब्लाइंड सपोर्टर। मतलब सपोर्टर मतलब जो बात हम बता रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये तुम्हारे ऊपर मैं नहीं कह रहा हूं, युवावस्था में सबके विचार में, यहां जितने बैठे हैं सबके विचार में, कुछ लोग बोल देते हैं कुछ नहीं बोलते। अच्छा सर तो बता रहे हैं ये ऐसा है, ऐसा नहीं बता रहे, ऐसा मैंने बता दिया है। उसके ज्यादा दिमाग, उसके आगे अपने दिमाग लगाया, देन यू आर एट रिस्क। बहुत है याद रखना, अच्छे अच्छे लोग इस एग्जाम में फेल होकर जाते हैं, इसलिए नहीं समझ कम थी, इसलिए भी कि जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा दिया, और जहां नहीं लगाना था वहां लगा दिया। इसको अदरवाइज मत लेना। देखो ये आपके ऊपर ना, मैं सच बता रही, ये मैं भी उधर बैठा हूं, मेरे दिमाग में भी यही सब पूरा था चलता,
यार ऐसा उसने कह दिया, ऐसा मैं काम की बात है, मैं क्वेश्चन पेपर देखना है, ये देखा ये देखा, यहां से आता है वहां से आता है, उसके अलावा मैंने इधर ये बहुत ध्यान रखना है। तो कहते कि आप लोगों का कितना युवा लोग दोस्तों, भाई आपकी सफलता तभी तो, आपकी सफलता है तभी तो हमारी सफलता है। सच मानिए रिजल्ट आने के बाद कोई ये कह देता है कि आपने मेरी सफलता में कुछ योगदान किया था, टीचर के लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। हम पढ़ाए रिजल्ट ना आए तो पढ़ाने पढ़ने कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। इसे मैं थोड़ा सा आपको वार्न करता रहता हूं, वो डाइवर्जन नहीं, तो इसको अपने ऊपर मत लेना, ये सबके साथ ऐसा होता है। और इसको ऐसा मत सोचना कि कोई, तो सबके साथ ऐसा होता है। तो जीएस में भी यही तरीका रख रहा है, मैंने बहुत देखा है, मतलब यकीन माने जीएस इतना डाइवर्जन है। अच्छा मुझे पता चल जाता है जब आप सवाल पूछते, मुझे पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट ठीक है नहीं ठीक है। अब भाई पॉलिटी आईआर में पढ़ा रहा हूं, जब भी मुझे कोई सवाल पूछता है मुझे पता चल जाता है नहीं ये क्वेश्चन पेपर कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखा होता तो ये सवाल कभी नहीं पूछता। ये फर्क होता है बस। तो जब आप भाई टीचर के साथ है कुछ तो आपका सही रास्ता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं, इधर उधर नहीं, सीधे रास्ते पे चलिए। क्या लिखा आपने, कोई भी सवाल आप पूछिए, देखिए आप इसे मानेंगे यार इसका मतलब सवाल पूछेंगे तो अगली बार हमें भी ऐसा ही कह देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम, सवाल आप कभी भी कोई पूछिए, कोई दिक्कत हो तो। लेकिन जहां नहीं जाना चाहिए मैंने बता दिया। क्या लिखा आपने, क्या, हाँ मानव निर्मित विधि का अभाव था, दूसरा दूसरा इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था भी नहीं थी। इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था भी नहीं थी, देयर इज अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था भी नहीं थी, देयर वॉज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन विच कैन इनफोर्स दीज लॉज इन द प्रैक्टिस। इन विधियों को क्रियान्वित करने वाली कोई संस्था भी नहीं थी। तीसरा, विवाद को हल करने वाली यंत्र का भी अभाव था, देर वॉज अ लैक ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू। विवाद को हल करने वाली संस्था का अभाव था, देर वॉज अ लैक ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू। इसका मतलब है कुल मिलाकर कहा जाए तो अभाव किसका था, पहला विधायिका का, दूसरा कार्यपालिका का, और तीसरा न्यायपालिका का। यानी कुल मिला के अभाव किसका था, सरकार का। व्हाट वॉज इनकन्वीनियंस, सरकार। और आप याद रखिए, और सरकार नहीं होगी तो, अगर सरकार नहीं होगी और लोगों लड़ाइयां होगी तो सबसे पहले खतरा किस पे आएगा, संपत्ति पे। क्योंकि लॉक ने बार बार कहा प्राकृतिक अधिकार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट। इस अगला पॉइंट, और लॉक ने कहा इन अभावों के कारण व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार खतरे में पड़ गए। द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, इन अभावों के कारण व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार खतरे में पड़ गए। ड्यू टू दीज इनकन्वीनियंसेस द राइट ऑफ प्रॉपर्टी केम इन डेंजर, व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार खतरे में पड़ गया, जो प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेचुरल राइट्स,
जो प्राकृतिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, इट सेम। और नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ से डिराइविंग है नेचुरल राइट। नेचुरल लॉ को हो, डिवाइन लॉ को, इट सेम। और उसी से नेचुरल अधिकार। इसे याद रखिए। अभी देखिए, हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में क्या खतरे में था? जीवन का अधिकार। यहां खतरे में क्या आया? जीवन का अधिकार या संपत्ति? संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए समझौते का उद्देश्य क्या था? संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो व्हाट वाज, अब देखेंगे समझौते का उद्देश्य क्या था। प्रिजर्विंग द राइट टू प्रॉपर्टी, दैट वाज द पर्पस। समझौते का उद्देश्य था संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो अब हॉब्स की तुलना में लॉक का विचार थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन दोनों का समझौता कैसे हुआ? समझौते में टेक्निकल डिफरेंस क्या है वो कल आपको बता देंगे। यदि कोई एग्जाम में आजकल नहीं पूछा जा रहा है, फिर भी आपको बता देंगे कि समझौते में फिर टेक्निकल डिफरेंस क्या था और समझौते का परिणाम क्या था। मिल अप पढ़ के आइए, लॉक के प्रश्न है तो उसको करके आइए। जीएस मिल अप पढ़ के आइए।